फिजिकल केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट है ऊष्मा गतिकी। ऊष्मा गतिकी में पहला शब्द आता है ऊष्मा। ऊष्मा क्या होती है? तो जब दो अलग अलग ताप की वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती है तो ऊर्जा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। ऊर्जा के इसी रूप को ही क्या कहते हैं? ऊष्मा कहते हैं। ऊर्जा के इसी रूप को ही ऊष्मा कहते हैं। अतः ऊष्मा जो है वो ऊर्जा का ही एक रूप है। अतः ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। फिर पूरा वर्ड लेते हैं ऊष्मा गतिकी। ऊष्मा गतिकी नाम से ही स्पष्ट है कि यह ऊष्मा के प्रवाह से संबंधित है। ऊष्मा के प्रवाह से संबंधित है तथा ऊष्मा तथा कार्य में संबंध स्थापित करती है। ऊष्मा गतिकी ऊष्मा तथा कार्य में संबंध स्थापित करती है। ऊष्मा गतिकी में हम भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों में होने वाले ऊष्मा परिवर्तन तथा उनके मध्य मात्रात्मक संबंधों का अध्ययन करते हैं। ऊष्मा गतिकी में भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों में होने वाले ऊष्मा परिवर्तन तथा उनके मध्य मात्रात्मक संबंधों का अध्ययन किया जाता है या करते हैं। फिर इसमें एक वर्ड आता है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या है? तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या है ये आप सब जानते होंगे, आप सब पढ़ के आए हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिससे उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुण और अवस्था नहीं बदलती है, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें उसकी भौतिक अवस्था में जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, रासायनिक अवस्था और गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तन से कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, भौतिक परिवर्तन से कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे जैसे पानी का जमना, ठीक है, पानी अगर जम गया है तो उसको अपन फ्रिज के बाहर रखेंगे थोड़ी देर के लिए तो वो वापस पानी बन जाएगा, तो वो एक स्थायी परिवर्तन नहीं होता है। पानी का जमना एक स्थायी परिवर्तन नहीं है। पानी से बर्फ भी बना सकते हैं और बर्फ से अपन पानी भी बन सकती है। फिर शक्कर का पानी में घुलना, कांच का टूटना, आदि क्या है? भौतिक परिवर्तन है। फिर आता है रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? रासायनिक परिवर्तन पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन, जिससे कोई नया पदार्थ बनता है, और वह अपनी मूल अवस्था से रासायनिक गुणों और भौतिक गुणों में अलग होता है, तो पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें एक नया पदार्थ बनता है और वह अपनी मूल अवस्था से भौतिक गुणों और रासायनिक गुणों में भिन्न होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है,
ठीक है, तो इसके उदाहरण कौन से हुए? उदाहरण इसके उदाहरण हैं लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, दूध का दही जमना, दही दूध का दही जमना। तो दूध से दही एक नया पदार्थ बना है और यह अपने मूल पदार्थ यानी कि दूध से पूरी तरह ही डिफरेंट है, पूरी तरह ही डिफरेंट है। इसके रासायनिक गुण, दही के रासायनिक गुण दूध से पूरे ही अलग है, अतः एक नया पदार्थ बनाए। अब दही से वापस अपन दूध को प्राप्त नहीं कर सकते, दूध को प्राप्त नहीं कर सकते, अतः इसमें पदार्थ या इसमें पदार्थ अपनी मूल अवस्था में लौट नहीं पाता है। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ अपनी मूल अवस्था में नहीं लौट पाता है, जबकि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ अपनी मूल अवस्था में लौट सकता है या प्रारंभिक अवस्था में लौट सकता है। तो ये थे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो ऊष्मा गतिकी में भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों में होने वाले ऊष्मा परिवर्तन तथा उनके मध्य मात्रात्मक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। फिर ऊष्मा गतिकी में, ऊष्मा गतिकी में ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड को दो पार्ट्स में बांटा गया है, एक तो निकाय तंत्र, एक तो निकाय तंत्र और दूसरा है परिपार्श्व, परिपार्श्व। एक निकाय तंत्र और दूसरा है परिपार्श्व। अब इन दोनों टर्म्स को, इन दोनों टर्म्स को हम उदाहरण की सहायता से अच्छी तरह से समझ लेते हैं, इन दोनों टर्म्स को उदाहरण की सहायता से समझ लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण है कप में, कप में गरम चाय, कप में गरम चाय। तो गरम चाय जो है वो निकाय का भाग होगा और कप जो है वो परिपार्श्व का भाग होगा। गरम चाय निकाय तंत्र का भाग होगा और कप जो है वो परिपार्श्व का भाग होगा। नेक्स्ट उदाहरण है परख नली में द्रव, परख नली में भरा द्रव, परख नली में भरा द्रव। तो द्रव जो है वो निकाय का पार्ट होगा और परख नली जो है वो, परख नली होगी परिपार्श्व का पार्ट, परख नली परिपार्श्व का पार्ट होगी। तो गरम चाय जिसके अंदर हम डालते हैं, गरम चाय जो है वो अपन ने कप के अंदर डाली है, तो जिसके अंदर अपन गरम चाय डाल रहे हैं वो कप जो है वो परिपार्श्व का पार्ट है और जो कप के अंदर जिसे हम डाल रहे हैं गरम चाय वो है निकाय का भाग। ठीक है, वैसे ही परख नली जिसके अंदर अपन ने, जिसके अंदर द्रव भरा है वो तो हो गया परिपार्श्व का पार्ट और द्रव जो है वो निकाय का भाग होगा। फिर एक और उदाहरण है, ये अच्छा उदाहरण है, मोस्ट उदाहरण है, गुब्बारे में भरी हवा, गुब्बारे में भरी हवा, गुब्बारे में भरी हवा। अब इसमें, इस उदाहरण में परिपार्श्व नहीं है, इस उदाहरण में परिपार्श्व नहीं होगा, पूरा का पूरा हवा युक्त गुब्बारा, हवा युक्त गुब्बारा जो है, पूरा का पूरा हवा युक्त गुब्बारा जो है वो निकाय तंत्र का भाग होगा, क्योंकि गुब्बारा हवा के साथ अपनी आकृति बदलता रहता है, क्योंकि गुब्बारा जो है वो हवा के साथ अपनी आकृति बदलता है। तो गुब्बारे की आकृति जो है वो परिवर्तनशील होगी, अतः वो निकाय तंत्र का ही भाग होगा। गुब्बारे की आकृति क्या है? परिवर्तनशील है, अतः वो निकाय का ही भाग होगा, परिपार्श्व का भाग नहीं होगा। यहाँ पे ऊपर अपन ने दो उदाहरण देखे हैं, कप और परख नली। कप और परख नली जो है वो अपरिवर्तनशील है, उनकी आकृति जो है उसके अंदर अपन ने
एक मतलब कप में डाली है चाय और एक में डाली है बर्फ, तो उन दोनों के डालने से उनकी आकृति परिवर्तित नहीं होती है। अतः कप और परख नली क्या है? परिपार्श्व के भाग है। लेकिन गुब्बारे में भरी हवा इसमें परिपार्श्व नहीं होगा, क्योंकि गुब्बारा जो है वो हवा के साथ अपनी आकृति परिवर्तित करता रहता है, उसकी आकृति में परिवर्तन होता है, इसलिए वो निकाय का भाग होगा, परिपार्श्व का भाग नहीं होगा। इसके नीचे लिख लेना हवा युक्त, क्योंकि गुब्बारा हवा के साथ अपनी आकृति चेंज करता है, क्योंकि गुब्बारा हवा के साथ आकृति बदलता है, क्योंकि गुब्बारा हवा के साथ आकृति बदलता है। ठीक है, ये हो गए निकाय तंत्र और परिपार्श्व। फिर टॉपिक है अपना, अगला टॉपिक है सीमाएं। सीमाएं क्या होती है? सीमाएं या बाउंड्री, सीमाएं या बाउंड्री। सीमाएं या बाउंड्री क्या होती है? तो निकाय को परिपार्श्व से पृथक करने वाला भाग या परिपार्श्व को निकाय से पृथक करने वाला भाग सीमाएं या बाउंड्री कहलाती है। परिपार्श्व को निकाय से पृथक करने वाला भाग, परिपार्श्व को निकाय से पृथक करने वाला भाग सीमाएं या बाउंड्री कहलाती है। अब सीमा अगर परिवर्तनशील है तो वो निकाय का भाग होगी, और अगर अपरिवर्तनशील है तो वो परिपार्श्व का भाग होगी। अभी अपन ने वो गुब्बारे वाला एग्जाम्पल देखा था, जिसमें गुब्बारा जो है हवा के साथ अपनी आकृति परिवर्तित करता रहता है, तो वो उसमें सिर्फ वो निकाय का भाग थी, और फिर ऊपर अपन ने कप में गर्म चाय और परख नली में द्रव, उसका उदाहरण देखा था जिसमें सीमा क्या थी, अपरिवर्तनशील थी, या परिपार्श्व को निकाय से भाग पृथक करने वाला भाग जो है वो अपरिवर्तनशील था, तो वे उसमें वो परिपार्श्व का भाग थी। सीमा अगर परिवर्तनशील है तो वो निकाय का भाग होगी, और अपरिवर्तनशील है तो वो परिपार्श्व का भाग होगी। अब सीमा आभासी और वास्तविक भी हो सकती है। सीमा आभासी और वास्तविक भी वास्तविक हो सकती है। आभासी सीमा निकाय का भाग होगी और वास्तविक सीमा परिपार्श्व का भाग होगी। आभासी सीमा निकाय का भाग होगा और वास्तविक सीमा परिपार्श्व का भाग होगी। अब ऊष्मा के आदान प्रदान के आधार पर, ऊष्मा के आदान प्रदान के आधार पर सीमाएं दो प्रकार की होती है। ऊष्मा के आदान प्रदान के आधार पर सीमाएं, ऊष्मा के आदान प्रदान के आधार पर सीमाएं दो प्रकार की होती हैं। पहली है कठोर सीमा, दूसरी है रुद्धोष्म सीमा। ठीक है, इन दोनों के बारे में अपन ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, अपने सिलेबस में इनके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं दिया गया है। तो नेक्स्ट टॉपिक है निकाय के प्रकार।
निकाय के प्रकार। निकाय के प्रकार, पहला प्रकार है निकाय का खुला निकाय। खुला निकाय, निकाय का पहला प्रकार है खुला निकाय। परिपार्श्व और निकाय के मध्य द्रव्य तथा ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। यदि परिपार्श्व तथा निकाय के मध्य द्रव्य का आदान प्रदान, परिपार्श्व परिपार्श्व तथा निकाय के मध्य, निकाय के मध्य द्रव्य तथा ऊष्मा का आदान प्रदान, ऊष्मा का आदान प्रदान होता है तो वो खुला निकाय कहलाता है। ऊष्मा का आदान प्रदान और द्रव्य का आदान प्रदान होता है तो वो खुला निकाय कहलाता है। जैसे जैसे परख नली, जैसे परख नली में द्रव, परख नली में द्रव, जैसे परख नली में द्रव। अब द्रव्य की मात्रा खुला निकाय के लिए dm, dm किसके लिए यूज किया गया है? द्रव्य की मात्रा में परिवर्तन के लिए। अब द्रव्य का आदान प्रदान हो रहा है तो द्रव्य की मात्रा में परिवर्तन जो है वो शून्य नहीं होगा, शून्य नहीं होगा, क्योंकि द्रव्य जो है, द्रव्य का परिपार्श्व और निकाय के मध्य आदान प्रदान हो रहा है, यानी कि द्रव्य की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है तो ये शून्य नहीं होगा। वैसे ही ऊष्मा की मात्रा में परिवर्तन भी शून्य नहीं होगा, क्योंकि ऊष्मा का भी आदान प्रदान परिपार्श्व और निकाय के मध्य हो रहा है। ये तो हो गया खुला निकाय। दूसरा निकाय का प्रकार है बंद निकाय। बंद निकाय, बंद निकाय, बंद निकाय क्या होते हैं? परिपार्श्व और निकाय के मध्य, परिपार्श्व और निकाय के मध्य द्रव्य का तो आदान प्रदान नहीं होता है लेकिन ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। परिपार्श्व और निकाय के मध्य द्रव्य का आदान प्रदान, द्रव्य का आदान प्रदान नहीं होता है लेकिन ऊष्मा का, लेकिन ऊष्मा का आदान प्रदान संभव होता है, लेकिन ऊष्मा का आदान प्रदान जो है वो संभव होता है। जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, बियर की बोतल है, इसमें क्या होता है? कोल्ड ड्रिंक की बोतल और बियर की बोतल में ऊष्मा का तो आदान प्रदान होता है लेकिन द्रव्य जो है उसका आदान प्रदान नहीं होता है। अतः dm जो है वो शून्य होगा, द्रव्य की मात्रा में परिवर्तन जो है वो शून्य होगा लेकिन dq जो है वो शून्य नहीं होगा। dm शून्य होगा लेकिन dq यानी कि ऊष्मा की मात्रा में परिवर्तन, निकाय की ऊष्मा में परिवर्तन शून्य नहीं होगा। ये हो गया बंद निकाय। तीसरा प्रकार है खुला, सॉरी विलगित निकाय। तीसरा प्रकार है विलगित निकाय। तीसरा प्रकार क्या है? विलगित निकाय। विलगित
निकाय। विलकित निकाय क्या होते हैं? इसमें क्या होता है, परिपार्श्व और निकाय के मध्य न तो द्रव्य का आदान प्रदान होता है और न ही ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। न तो द्रव्य का आदान प्रदान होगा और न ही ऊष्मा का आदान प्रदान होगा, तो वो हो जाएगा विलगित निकाय। अतः द्रव्य की मात्रा में परिवर्तन और निकाय की ऊष्मा में परिवर्तन दोनों ही क्या होंगे, शून्य होंगे। तो डी एम बराबर भी जीरो होगा और डी क्यू बराबर भी क्या होगा, जीरो होगा। द्रव्य की मात्रा में परिवर्तन और निकाय की ऊष्मा में परिवर्तन दोनों ही क्या होंगे, शून्य होंगे, क्योंकि दोनों का ही परिपार्श्व और निकाय के मध्य आदान प्रदान नहीं हो रहा है। प्रकृति में इस प्रकार के निकाय जो है वो संभव नहीं है। प्रकृति में इस प्रकार के निकाय संभव नहीं होते। केवल आंशिक विलगित निकाय ही संभव है। केवल आंशिक विलगित निकाय ही संभव होते हैं। उदाहरण है थर्मस फ्लास्क। उदाहरण क्या है, थर्मस फ्लास्क, जिसमें न तो ऊष्मा का आदान प्रदान होता है और न ही द्रव्य का आदान प्रदान होता है। थर्मस फ्लास्क, ये हो गए निकाय के प्रकार। नेक्स्ट टॉपिक है प्रावस्था के आधार पर निकाय के प्रकार। प्रावस्था के आधार पर निकाय के प्रकार, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे।